आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कर्नाटक के जो सारे किसान हैं उन तक ये जाएगा, तो आप उनको भी अपना संदेश दे सकते हैं? देखिए, हम किसान हैं और पंजाब की धरती से 2 महीने असी ये संघर्ष लड़िया। गुरु गोबिंद सिंह की अंसा सी, उन्होंने सानू ये सिखाया कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है, किसी धर्म के खिलाफ साड़ी कोई नफरत नहीं, असी सारे धर्मों नू प्यार करने वाले लोग हाँ। असी किसानी हकों लिए इन्हों तो मंग मंगते हैं, ये गलत प्रचार करते हैं। मोदी मीडिया सानू कहिंदा ये खालिस्तानी, ये पाकिस्तानी अतवादी ने, ऐसी कोई गल नहीं। और असी इस करके दिल्ली आए हैं कि असी देश के किसानों को दसीए भी असी खालिस्तानी नहीं, अतवादी नहीं, वक्खवादी नहीं, असी तो किसानी हकों लिए लड़ते। जो 3 काले कानून बनाए आ वो मीडिया के राही सानू प्रचार गलत करते हैं। अज असी उस गल च कामयाब हो गए हैं। अज तुसी कर्नाटक तो आए हो, पंजाब के किसानों ने संघर्ष शुरू किया और सारे देश के किसान ही नहीं बल्कि 34 देशों के जोड़ा वो तुहाडा अंदोलन जोड़ा लोग सलूट कर रहे हैं, तो ये बड़ी वड्डी गल आ। जिहड़े ज्यादा बहादुर लोग हुंदे ने किसान जिहड़े ने, वो आपकी लड़ाई हकों की खातर सानू लड़ना चाहिए, चुप करके नहीं बैठना चाहिए। और आप किस कारण से और अपने पंजाब में ये काले कानून, ये 3 कानून जो है वो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये भी बता सकते हैं? देखिए, उसमें हमें जो MSAP चलती है, इस सरकार चाहती है कि जिहड़ी MSAP चल रही है उन्होंने बंद कर दिया जाएगा 22 दे इलेक्शन तक, ये चलाउणगे थोड़ा बहुत। जब सरकारी मंडी के व्यापारी फसल खरीद सकता कोई भी, फिर प्राइवेट मंडिया की लोड़ है? सरकारी मंडी तो 2 रुपये 4 रुपये महंगी, 10 रुपये 100 रुपया महंगी खरीदने कोई पाबंदी नहीं, पर जान बुझ के जिस तरह सरकारी स्कूलों प्राइवेट स्कूलों ने फेल करता, सरकारी ट्रांसपोर्ट को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने फेल करता, इस तरह ये चाहते हैं कि जी सरकारी मंडी हो रही हो आस्ते आस्ते बंद करके प्राइवेट मंडिया के कर दिए। अडानी तो बानी जोड़े ने गोदाम के जिम्मे साढ़े 2 घंटा 5-7 रुपये सरकार लेंदे आ, उन्हों वो बुलाओ करके 80-70 रुपये लोगों ने बेचते हैं। इस तरह वो सानू करना चाहते सी कि जी किसान की कणक झोना सस्ता खरीद के उन्होंने बुलाओ करके असी पैसे वटीए, किसान उन्होंने बेदखली नहीं करना चाहिए, इस करके असं। और कर्नाटक के किसान भी आपके साथ है और मैनू उनका भी ऐसा ही संघर्ष है? मैनू ऐसी खुशी हुई है तुहाडे नाल गल करके भी तुसी कर्नाटका तो चल के आए हो और संघर्ष की सपोर्ट कर रहे हो, और मैनू आस है कि तुसी पूरे कर्नाटका दे विच जाके लोगों नू दसोगे कि किसान जिहड़ा आ वो अपनी सच्ची लड़ाई लड़ रहा। ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, जातिवाद दे विच आ रहा है सारे नू वंड के, और ये सानू आपस लड़ा के आपका उल्लू सीधा कर दे, तो सानू बचन की लोड़ है। नफरत नहीं, सानू प्यार चाहिए, मुहब्बत चाहिए, असी प्यार करने वाले लोग कभी नफरत नहीं की, क्योंकि नफरत जिहड़ी है उहदे नाल कोई मसला हल नहीं हुंदा। अशांतमई बैठांगे भावें 1 साल लगे, भावें जिन्ना चिर मोदी का इलेक्शन नहीं आता, और उदों तक बैठांगे जदों तक साडियां मंगां मन नहीं आउंदा, वापस नहीं जावांगे, शांतमई अंदोलन जारी रखा। नहीं बिल्कुल, मतलब लोगों के बीच में हमेशा प्यार ही है और नफरत पैदा करने वाले दूसरे सरकारें होती है नहीं तो हम सब इंसान एक ही है। ये बहुत जो साडा दा गुरु नानक साहब ने संदेश ये दिता, अल्लाह अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कहो भले को मंदे, सारे सत श्री अकाल। गोबिंद सिंह नू पुछया सी मतावा ने कि तुहाडे साहब मेरे साहबजादे नज़र नहीं आउंदे, ते उन्होंने साडे सारिआं वेले इशारा करके कहा सी इन पुत्र के सीस ते वार दी है सुत चार, चार बूहे तो क्या हुआ जीवित कई हजार, असी उन्हां दी औलाद हां, इस करके झुकांगे नहीं, सच लई लड़ांगे, भावें मोदी साडे ते गोलियां चलावे, तोफां चलावे, सतनाम वाहिगुरू जाप करदे शहीद होवांगे, उन्हां नूं इट्टां तक नहीं मारांगे, पत्थर नहीं मारांगे, शहीद हो जांगे पर वापस नहीं जाऊंगा। आपका संगठन का नाम क्या, आपका नाम क्या? हम मेरा नाम है महेंद्र सिंह लहरा, पिंड मेरा लहरा बेटा, सील जीरा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पड़ता है। तो हमारा जो यूनी का नेता है वो है बलबीर सिंह राजेवाल, हम उनकी यूनी के वर्कर हैं। आपका यूनियन का नाम क्या है? बलबीर सिंह राजेवाल भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन बलबीर सिंह राज्य भारतीय किसान यूनियन ओदा मुखी है बलबीर सिंह राजेवाल। प्रिय स्नेहितरे, ई ओंदु सुद्दि सागरक्कागि नम्म सुद्दि सागरद दिल्लिय प्रतिनिधियागिरतक्कंत बिट्टो
ಬಂಡಯ್ಯ ಅವರು ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಾಗರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಸಬ್ ಕಿಸಾನ್ ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಆಪ್ಕಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಯಶಸ್ ಹೋಗಯ ಹೋತಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೂ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು, ರೈತ ಯುವಕರು, ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರು 1.5-3 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು, ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದವರು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ನೀರು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಇತರೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ರೈತರೇ ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಎನ್ನಲೇಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ತಂದಿರುವ ಕರಾಳ ಕಾನೂನಾದಂತಹ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ MSP ಕಾಯ್ದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರೈತ ದಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಹಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶಾಜಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದಂತಹ ಟಿಕ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಸಿಂಗೂರು ಗಡಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಸಾಗರ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ HP ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸುದ್ದಿಸಾಗರ, ಸಾಗರ, ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವ ವಾಹನಗಳು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಕಾರುಗಳು, ಟಿಲ್ಲರ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆಟೋಗಳು, ಜಾತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಡು, ಕುಣಿತ, ಘೋಷಣೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಯುವಕರ ಓಡಾಟ, ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್.